जब आप शहीद बच्चों की माओ को सम्मान कर रहे हैं और उनकी जो कुर्बानी है उसको सम्मान दे रहे हैं, आई थिंक वहाँ रहना ज़रूरी भी है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता क्योंकि काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ मैं यूनिफॉर्म के साथ और मुझे पता है कि जब ऐसे किरदार निभाते हैं तो हमारे अंदर जो एक डिज़ायर होती है हीरो बनने की वो तब फुलफिल होता है जब असली हीरो का किरदार हम निभाते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ऐसे जगहों पर जाओ और ऐसे माँ बाप को मिलो जिनकी सोच आपने अभी भी देखा कि वो भी यही बोल रही थी कि बेटा तो गया मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आई थिंक वो सोच बहुत कम लोगों में है। सर श्यामा मुखर्जी जो तुम जैसे हीरो पे रियल लाइफ में मतलब फिल्म बनी चाहिए काफी से अभी फिल्में बन रही है। इंडिविजुअल्स पे फिल्म बनाना शायद मुश्किल होगा क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स हमारी पुलिस CRPF सारे लोग वही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यूनिफॉर्म के साथ फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें प्रेरणा मिले, ताकि उन्हें लगे कि हम जो काम कर रहे हैं कोई ना कोई उनके काम को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक फिल्म वो माध्यम है जिससे हम स्पोर्ट्समैन को और इन शहीदों को सम्मान देते हैं। से बॉर्डर को है 20 सालों के बॉर्डर के बाद से आप देख रहे थे कि देशभक्ति जो भी फिल्में कोई ज्यादा अब आ नहीं रही है आ भी अच्छा रही है, तो है कि वॉर हो नहीं रहा है वॉर से हम दूर ही रहे तो अच्छा, लेकिन अब पलटन बन रही है आई थिंक JPG की पिक्चर है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पिक्चर रही है। कास्ट इज ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो जितनी कम वॉर हो उतना बेहतर, लेकिन हीरोज को लेके आई थिंक फिल्में बन रही हैं बनते रहेंगे। सर आज की तारीख में जो कश्मीर का जो माहौल है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अनस्टेडी है, बहुत ही अनस्टेडी है, अनसर्टेनिटी है लोगों के लिए, तो जितनी जल्दी पीस लौट आए वो बेहतर है हमारे लिए क्योंकि जवानों का मरना सिविलियंस का मरना या किसी का भी मरना हमारे देश में और वो भी जिसे हम जन्नत मानते हैं अच्छा नहीं लगता। वैसे न्यूज़ पढ़ते ही जब पेपर में आप देखते हो कि किसी की मौत हुई है वैसे ही वो न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं होती। जिस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के दरमियान जितने भी टेररिस्ट को मारा है वो पहले मन से ज्यादा था, उस पर विस्तार में बताएंगे उस बारे में? ये देखिए ऑपरेशन सस्पेंड जो हुआ था कश्मीर में हमको ऑपरेशन नहीं करना, देख कश्मीर की सीमा पर जो भी आतंकी घुसपैठ कर रहे थे उनको हमने ढेर कर दिया, वहाँ पर उसकी संख्या ज़्यादा है, उन्होंने कोशिश की ज़्यादा घुसने की तो हमने जगह पर हमारे जवानों ने ढेर किया, संख्या ज़्यादा है। सीज फायर जो हुआ था कश्मीर में रमजान के दौरान क्या उसमें उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे क्या? देखिए सीज फायर सीमा पर था तो सेना ने किया था, हमने ऑपरेशन सस्पेंड किया था जो गृह मंत्रालय से हुआ था, उस पीरियड में उन्हें ऐसा लगा कि ये ऑपरेशन सस्पेंड तो घुसपैठ की कोशिश हुई इसलिए ज़्यादा मारे गए और हमने सीमा पे रोका नहीं था, अंदर में हमने काम रोक दिया था, लेकिन उस पीरियड में स्टोन पेंटिंग की घटना कम हुई थी। आफ्टर दिस लिफ्टिंग ऑफ दिस सीज़फ़ायर नाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट मोर एक्शन कैन बी एक्सपेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट्स द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट? देखिए अभी तो सारे रास्ते खुल गए और हम किसी भी हालत में ना सीज फायर की बात है ना ऑपरेशन सस्पेंड की बात है और हम खुले मैदान में हैं, सरकार में भी हम नहीं वहाँ पे राज्य की सरकार में पूरा गवर्नर राज होने की वजह से अभी किसी भी हालत में वहाँ पे कोई भी हरकत करेगा उसे सबक मिलेगा, उसको घेर कर देंगे, कोई आतंकी नहीं बचेगा, कोई आतंकी घुसने की कोशिश नहीं करेगा, इतनी ताकत से वहाँ काम किया जाएगा। आपको क्या लगता है जिस तरह से NSG के ऑपरेशंस बढ़े हैं और आपने जिस तरह कहा कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है बड़े पैमाने में, तो क्या लगता है परिस्थिति जो आज है आज की तारीख में वो जो जॉइंट गवर्नमेंट थी PDP और BJP की उससे बेहतर स्थिति आज है? देखिए हमने आज नहीं अरेस्ट किया है आतंकियों, पिछले साल से NIA कार्रवाई की और देखिए NSG जो वहाँ गई ये सुरक्षा के लिए गई है, वहाँ पे हमने सोचा कि पिछले समय में अमरनाथ यात्रा पर जिससे हमला हुआ था ये घटना का
और दोबारा ना हो, ये भी सोचा गया। अभी बहुत जल्दी यात्रा शुरू हुई है और पूरी ताकत के साथ में वहाँ पे हमारा के यात्रियों को सुरक्षा दी जाएगी और किसी भी हालत में यहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ कम करना और कश्मीर में शांति बहाल करना, वहाँ के नागरिकों को भी सामान्य जीवन जीने का एक सरकार का कमिटमेंट है, केंद्र सरकार का। इसलिए हमने सेना फोर्सेस और एनएसजी को वहाँ लगाया, तैनात किया, ताकत से किया है और पीछे हटने का कोई वजह नहीं है। सर एक शेवटचा प्रश्न सर, की हे याबद्दल तुम्ही सामान्य जनतेच्या मनात संभ्रम आहे, तुम्ही केंद्रीय राज्यमंत्री काय सांगू, त्यांना विश्वास काय देऊ शकता या एकूण सगळी जी परिस्थिती आहे त्या संदर्भात? सामान्य जनतेच्या मनामध्ये संभ्रम काही नाही आहे। कश्मीर ही आग अच्छी नाही आहे, अनेक वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी आग पेटत आहे। त्या ठिकाणी पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचं पालन पोषण करून तिथं आतंक माजवण्याकरता सोडलं जात होतं, त्याचा मुकाबला आम्ही करतो आहोत। 1990 ते 1995 दरम्यान जे हजारो घटना व्हायच्या, 5000 घटना व्हायच्या, ते आता 2-3 घटना होऊ लागलेल्या हे खरं सगळ्यांना माहीत आहे, पण तरी पण घटना होत आहेत। हे संपूर्ण नष्ट होण्याकरता, संपवण्याकरता ऑल आऊटचा जो विषय आमचा आहे, आम्ही आता ऑल आऊटच्या मागे लागू हे जनतेला आम्ही संदेश देतो की प्रधानमंत्री मोदीजींनी तुमचं कमिटमेंट केलेल्या देशाच्या नागरिकांशी की देशाची रक्षा आणि सीमेची सुरक्षा, जनतेला सुरक्षा देणं हे आमचं प्रथम प्राधान्य आहे। त्यामध्ये काश्मीरची जनताही आहे आणि काश्मीरची सीमा पण आहे। जनतेला आज आमचा संदेश आहे की सरकार प्रामाणिकपणे काम करीत आहे। सर क्या कहेंगे आज किस तरह का कार्यक्रम था, आयोजन किया गया? देखिए दीप कमल फाउंडेशन पिछले 6 से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का कार्यक्रम करता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान वो देश की एकता अखंडता को अक्षुण रखने के लिए हुआ था। स्वतंत्र भारत में एकमेव राजनेता डॉक्टर मुखर्जी हैं जिन्होंने देश की एकता अखंडता को अक्षुण रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। उनकी कुर्बानी की, उनकी शहादत को याद करने के लिए 23 की पूर्व संध्या पर हमने आयोजन किया और उनकी जो शहीद की माँ का दर्द होता है, उसकी शहादत के बाद उस माँ की जो आशा इच्छाएं जिस तरह से दम तोड़ देती है, उसके बाद की स्थिति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माँ जोगमाया देवी ने